पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक सवाल मैं लेना चाहूंगी। अनुराग जी, इससे पहले आप यहां प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार के, कि भ्रष्ट सरकार है, काम ठीक से नहीं हो रहा, लेकिन अब तो यहां पड़ते आपकी पार्टी से जुड़ी खुल रही हैं। अच्छा, तो मैं क्या गलत कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या मैंने गलत बोला? टीचर भर्ती घोटाला नहीं हुआ क्या? यहाँ पे किसानों को रोंदा नहीं गया क्या यहाँ पे? लेकिन अनुराग जी, जो आपकी पार्टी से जुड़े खुलासे हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मेरी बात वो उस पर ही बोल रहा हूँ। आपने पहले बोला, सवाल आपने किया तो उसका जवाब दे रहा हूँ। क्या मैंने गलत बोला कि यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट घोटाला नहीं हुआ, पशुपालन विभाग में घोटाला नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी घोटालों से भरी हुई पार्टी है। अब वो हार का डर, मैंने आपको जैसा पहले ही बताया, फिर यही बात कह रहा हूँ, जब हार का डर सताने लगता है ना, तब भारतीय जनता पार्टी परेशान और घबराहट में आ जाती है, और वो लगातार छापे इधर उधर डाल के एक कहानी मनगढ़ंत बनाने की कोशिश करती है। मेरा तो सीधा सा सवाल है, 5 साल से सरकार आपकी है, आपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या किया, इसके बारे में आप कब बताएंगे? आप जनता को अटकाना भटकाना चाहते हैं, आप इधर उधर छापे वापे डाल के एक अच्छी सी खबर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं बताओगे कि जो किसान रोंदे गए उनकी उनके उनके जो परिवार है, जो परेशान है, उसको आर्थिक मदद। ठीक है अनुराग जी, ये तमाम आरोप आप लगाते रहे और आप लगाते भी रहेंगे, लेकिन अनुराग जी ये बताइए, आप ये कह सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित ये छापेमारी हो सकती है, लेकिन छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं वो तो आप ही के नेताओं, आप ही के सहयोगियों के घर से मिले हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल आप पार्टी की बात कर रही है, जब आप पार्टी की बात करती है तो पार्टी की बात होती है, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मैंने क्या बोला, वो समाजवादी पार्टी की तरफ वो अटकाना भटकाना चाहती है। बात ये नहीं है, 5 साल का आपको काम का हिसाब जनता को देना है, जो जनता हिसाब ना पूछे इसीलिए आप उसको अटका भटका दो। यहाँ रेड हो गई, वहाँ 4 दिन से चल रही है, यहाँ 5 दिन से चल रही है, और देखिए क्या माहौल बना। तो आप माहौल बनाना चाहते हो ना, 5 साल से क्या कर रहे थे आप? अनुराग जी, जो खबर है, जो सवाल पूछे जाने चाहिए, हम तो वो उठा रहे हैं और वही बता रहे हैं। आप ये बताइए, कई ऐसी पिछली रेड हुई हैं जिनमें रेड हुई लेकिन जांच में कुछ नहीं निकला, लेकिन आपके यहाँ तीन दिनों तक लगातार ये रेड चली और अब ये खुलासे हो गए, क्या आप इनका खंडन करते हैं? ऐसी कोई डायरी दस्तावेज नहीं मिले क्या, इनका खंडन आप कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, राजीव राय जी जिनके रेड हुई, उन्होंने क्या बोला था, आप लोगों ने चलाया 200 करोड़, कोई कह रहा है 2000 करोड़, कोई कह रहा है 4000 करोड़, और उन्होंने क्या बताया कि मेरे यहाँ से मात्र 17,000 रुपए कैश मिले, मात्र 17,000 रुपए। और आप क्या चला रहे थे आपके यहाँ पे, मैंने आपके यहाँ मतलब आपके चैनल पे जनरल क्या चल रहा था? देखिए रेड हो गई और देखो इतना टीम पहुंची है, चारों तरफ कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। अरे भैया, अनुराग जी, ये हुआ और अब तो खुलासे भी हो रहे हैं, 800 करोड़ रुपए के घोटाले और आयकर चोरी का पता चला है, अब तो ये बात साफ है। अरे अब तो साफ है ना, 17,000 रुपए मिले थे, मात्र 17,000 रुपए का कैसे चला रहे थे पता है आपको? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप किसी के ऊपर कुछ भी निकाल दो, ये मिला वो मिला, ये बताइए ना कि कहाँ से आपको आ गया। यही कैश पकड़ा जाता तो कहते देखिए कितना कैश पकड़ा गया, ये देखिए फोटो दिखा रहे होते, घूम घूम के फोटो दिखा रहे होते। अब जब ये सब नहीं मिला राजीव राय के यहाँ, तो आप बता रहे हो कि नहीं वो संपत्ति थी तो फलाना था तो ढेकवा था। अरे भाई, ये उत्तर प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता की बात करो कि कहाँ पे आप क्या लेके आए, 17,000 रुपए आपको मिले उसके बारे में आप बोलने को तैयार नहीं, आप बोलने को तैयार नहीं कि यहाँ किसानों की कैसे मदद होगी, बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिलेगा, महंगाई यहाँ चरम सीमा पे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अनुराग जी, ये तमाम मुद्दे और बातें उठाते रहे हैं और आप ही को अपना पक्ष रखने के लिए हर बार बुलाया गया है बीपी गंगा के मंच पर, लेकिन आपसे जवाब हम इतना चाहते हैं, अखिलेश यादव के करीबी कुछ लोग कहे जा रहे हैं जिनके दिल्ली में 2 शेल कंपनियां बनाई गई, 6-6 करोड़ रुपए की रकम भी थी इन शेल कंपनियों में, इस तरह की जानकारी है, आप इस पर क्या कहते हैं, आप इस पर अपना रखिए। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो सिस्टम है कुछ भी कहता रहे, आप दिखाओ ना, बात तो इसकी है, आप क्यों माहौल बनाने में लगे हो, माहौल मत बनाइए। मैं यही तो कह रहा हूँ, राजीव राय ने क्या बोला आपके सामने चैनल पे आके, आपको तो चैलेंज किया था आपके चैनल पे आके कि 17,000 रुपए ज्यादा नहीं मिले, तब क्या आपके पास जवाब था? तब तो आपने बंद कर दिया बात। अरे बात उन्होंने आपसे जवाब मांगने के लिए ही अनुराग जी आपको इतना बड़ा मंच दे रहा है बीपी गंगा, जो आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं वो आरोपों पर आपसे ही तो सवाल पूछ रहे हैं, आप रखिए ना अपनी बात, आप इन पर बात नहीं रख रहे, आप खुद बातों को घुमा रहे हैं। कमाल की बात कर रहे हैं, किस पे बात रख रहा हूँ मैं, रेट पे तो बात रख रहा हूँ, राजीव राय क्या है तो आप बताइए ये जो शेल कंपनियों की बात, 800 करोड़ रुपए के घोटाले की बात है, ये क्या है, इसके बारे में अपनी राय रखिए, अपना जवाब दीजिए। अच्छा ये बताइए आपने 5,000 करोड़ का घोटाला किया है, मैं कह रहा हूँ, अब बताइए क्या प्रूफ मांग देंगी आप? मैं आपसे कह रहा हूँ आपने 5,000 करोड़ का घोटाला किया, अब दीजिए आप प्रूफ, बोलिए आपने नहीं किया।
मैं तो कह रहा हूँ ना, आपने 5 लाख करोड़ का किया। ठीक है अनुराग जी।